के विश्व सुंदरियों के नाम, इसका ट्रिक देखेंगे। हमने लिखा भारत के विश्व सुंदरियों के विश्व सुंदरियों के नाम बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, बहुत ही प्यार से हम आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे ये ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर पाएंगे और आप कहीं भी किसी को भी फटाफट जवाब देंगे बिना चीज़ के, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, आप इसको नहीं भूल पाएंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद करेंगे। इसका ट्रिक है रेड यूपीएम। देखिए इसी इन्हीं लेटर में, इन्हीं शब्दों में जो हमने लिखा है रेड यूपीएम, इसी में भारत के विश्व सुंदरियों के नाम छुपे हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है जो हम गारंटी देते हैं, आपसे वादा करते हैं। देखिएगा RAD रेड UPM, आर से हो गया रीटा फारिया। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहली विश्व सुंदरी थी रीटा फारिया, जिन्होंने MBA की पढ़ाई की थी, MBA बोल रहे हैं दोस्तों, MBBS की पढ़ाई की थी और उन्होंने डॉक्टरी की थी। रीटा फारिया भारत की पहली विश्व सुंदरी थी। उन्होंने 1966 में विश्व सुंदरी का खिताब अपने सर पे किया और भारत का नाम रोशन किया 1966 में, विश्व सुंदरी रीटा फारिया। उसके बाद में दोस्तों हैं ऐश्वर्या राय। जी हाँ, आप जानते हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्टर्स ऐश्वर्या राय। जिनकी शादी अभिषेक बच्चन से हुई, ऐश्वर्या राय भारत की दूसरी विश्व सुंदरी, जिन्होंने अपने सर पे विश्व सुंदरी का ताज पहना। 1994 में उन्होंने विश्व सुंदरी का ताज अपने सर पे किया और भारत का नाम रोशन किया। बॉलीवुड में उन्हें बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली और बॉलीवुड के शहंशाह की बहू बनी। तीसरी विश्व सुंदरी डी से डाइना हेडन। जी हाँ दोस्तों, डाइना हेडन जिन्होंने भारत के तरफ से तीसरी विश्व सुंदरी का खिताब जीता, जिन्होंने 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब अपने सर पे लिया और भारत का नाम रोशन किया दुनिया में, डाइना हेडन। चौथा है दोस्तों युक्तामुखी। जी हाँ दोस्तों, युक्तामुखी 1999 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता और इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। पांचवा है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, इस नाम से तो सभी कोई वाकिफ होंगे, सभी कोई जानते होंगे, बच्चे हो या जवान हो, सभी कोई जानते होंगे प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 2000 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता और भारत का नाम रोशन किया। बॉलीवुड में जबरदस्त सफलता इन्हें मिली। इन्हें दुनिया का 100 शक्तिशाली वुमेन में इन्हें गिनती किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं,
हॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमाया और भारत का नाम विशाल रोशन किया, बहुत ही ज़्यादा रोशन किया। और लास्ट जो है 2000 के बाद अपने भारत का विश्व सुंदरियों में तो एक सूखा सफर गया था, लेकिन 2017 में जी हाँ दोस्तों, मानुषी छिल्लर ने विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम करके एक बार सबको चौंकाया और देश भारत देश का नाम रोशन किया मानुषी छिल्लर ने। बहुत ही सालों बाद 2000 के बाद सीधा 2017 में, जी हाँ दोस्तों 2017 में मानुषी छिल्लर ने, यानी 17 साल बाद मानुषी छिल्लर ने विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम कर भारत का नाम रोशन किया। और एक जो सूखा सा पड़ गया था, 17 साल का जो गैपिंग पड़ गया था, उसे भरने का वरा। जी हाँ दोस्तों, जैसे रीटा फारिया ने MBBS की थी, उसी तरीके से मानुषी छिल्लर भी MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। दोस्तों, हम सभी का दुआ है कि उन्हें एक डॉक्टरी की उपाधि मिले और वो ऐसे ही जिस तरीके से अपने भारत देश का नाम रोशन किया, वैसे ही अपने भारत देश का नाम दुनिया में रोशन करे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। अगर ये ट्रिक आपको मज़ा दे रहा हो, प्यार दे रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दे, एक थंबनेल कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए आगे दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पड़ोसी देशों के नाम। जी हाँ, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके नाम, भारत के पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो ट्रिक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा ट्रिक देख करके, कि बचपन में MBA किया, कितना मज़ेदार है दोस्तों ये ट्रिक, बचपन में MBA किया। इसी ट्रिक में हमारा इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम, कितना आसान है, बचपन में MBA किया। देखिए दोस्तों, कितना आसान हो गया ये, बचपन में MBA किया। बचपन, ये M है साइलेंट, M साइलेंट है और किया साइलेंट है, ये ट्रिक है बताने का। बचपन में MBA किया, ये और ये साइलेंट है, बचपन और MBA, इसी में है आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम। बस हो गया बांग्लादेश, जी हाँ बच्चों, जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे बांग्लादेश। अच्छी से हो गया चीन, ये तो सभी जानते होंगे, चीन, बांग्लादेश, चीन। प से पाकिस्तान, जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान। न से हो गया नेपाल। एम से हो गया म्यांमार। बी से हो गया भूटान। और ए से हो गया अफगानिस्तान। कितना आसान है ये ट्रिक से आपको याद करना, कितना आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। बचपन में MBA किया, बचपन, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। देखे दोस्तों, कितना आसान हो गया,
और आगे देखते हैं, मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आएगा, विश्वास है हमें बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हम मज़ेदार तरीके से सीख रहे हैं, मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से सटा भारत के कौन कौन से राज्य हैं? प्रश्न है दोस्तों कि पाकिस्तान से सटा, आप ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे कि पाकिस्तान से सटा भारत के, और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान से सटा भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पाकिस्तान से सटा भारत के कौन कौन से राज्य हैं। इसका ट्रिक देखिए कितना आसान है, कितना छोटा सा ट्रिक है। इसका ट्रिक है दोस्तों, देखिए पंगु राज इतना आसान है, बस पंगु राज इतना आसान हो गया आपको याद करना, इतना आसान। हम विश्वास से कहते हैं कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सीख करके, ये जान करके। पंगु राज, प से हो गया पंजाब, पंजाब जी हैं दोस्तों, प से पंजाब, गु से गुजरात जी हाँ दोस्तों, गु से गुजरात, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, गुजरात। र से हो गया राजस्थान, र से हो गया राजस्थान, और ज से हो गया जम्मू कश्मीर जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है देखिए। भारत के पाकिस्तान से सटा हुआ भारत के राज्य पंगु राज, प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, कितना आसान है, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा हमें विश्वास है। और नए जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, ट्यूब क्लासेस के चैनल से जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं, उससे आपको हमें प्रोत्साहन मिलती है, बताने में मज़ा आ रहा है दोस्तों। देखिए हर एक सवाल हम लिख रहे हैं दोस्तों, कौन कौन देश की मुद्रा, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, कौन कौन देश की मुद्रा रुपया है, ये तो आपको जानने का बहुत ही उत्सुक होगा कि कौन कौन देश की मुद्रा, कौन कौन देश की मुद्रा रुपया है, ये जानने का बहुत ही उत्सुक होंगे कि हमारे देश में तो रुपया चलता है, बाकी कौन कौन देश में रुपया चलता है, रुपया कौन कौन देश में चलता है, ये जानने के लिए आप बहुत ही बेताब होंगे दोस्तों। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो इसका जवाब हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आपको मज़ा आ रहा होगा ऐसे ट्रिक देख करके, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, उन दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, और आपको सीखने की अगर ललक है, इच्छा है। और दोस्तों ट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और हम अगले वीडियो में कौन कौन देश की मुद्रा रुपया है इसका जवाब बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, गुड लक।